स्मर्फ्स 2 फिल्म के कंपटीशन का फॉर्म नेट पर भर दिया है। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो सुपर फास्ट हो। अरे ऐसे मामलों में टपू सेना को कोई रोक नहीं सकता। पोपट अंकल, हम लोग आपको थैंक यू बोलने आए हैं। अरे बस, इसमें थैंक यू क्या, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है ना तो प्रार्थना करो कि मुझे रानी मिल जाए। गेम में क्वीन की बात कर रहे हो ना? हाँ, मतलब वो जब भी क्वीन लेने जाता है ना तो उसका ड्यू हो जाता है। हाँ, बराबर। अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी। महाराजा गड़ा के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता हाजिर है। ओ हो, क्या बात है, आज तो नाश्ते में सेव खमड़ी। जी, सेव खमड़ी। और कोई सेव महाराज? और कोई सेवा महाराज? जरूर महाराजा गड़ा, ये जानना चाहते हैं कि आज रात को 32 पकवानों में से कौन कौन से नंबर के पकवान महारानी गड़ा बनाने वाले हैं? महाराजा गड़ा के लिए पकवान नंबर 8, 9, 10, 17, 18, 21, 23, 24 और 31 बनाए जाएंगे। महाराजा गड़ा को पकवान के नंबर नहीं, नाम जानने में रस है महारानी गड़ा। रस तो महाराज गर्मी के मौसम में ही मिलता है, अभी तो रिमझिम बारिश का मौसम है। तो रिमझिम बारिश के मौसम में कौन कौन से पकवान बनने वाले हैं वो बताए महारानी गड़ा। सब्जियों के सहेंसा, बैंगन का भरता, सरमिली फूलगोभी, दालों की मलिका पीली दाल अपने रस का रसपान करवाएगी और साथ में फॉरेन के राजकुमार जैसे गोरे 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 रे सफेद बासमती चावल आपके खिदमत में पेश होंगे और उसके साथ आचार पापड़ चटनी दही छाछ जैसे छोटे छोटे सैनिक का लश्कर भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। क्या हो महाराज, ये सब पकवान के नाम सुनकर आप खुश नहीं हुए? आधे खुश हुए हैं हम। क्यों महाराज, हमसे ऐसी क्या गुस्ताखाकी हो गई? आपसे गुस्ताखाकी ये हुई कि पकवानों में आपने तलन वाले पकवान का नाम नहीं लिया महारानी गड़ा। तलन वाले पकवान महाराज, ये बात कुछ हमारे जहर में नहीं उतरी महाराज। तलन वाले पकवान मतलब तेल में तैर के बाहर निकले हुए तीखे तमतमते फरसान की बात कर रहे हैं हम महारानी गड़ा। फिर से गुस्ताखाकी के लिए माफी चाहती हूँ महाराज, लेकिन तलन वाले पकवान खाने के लिए आपको शहंशाह आलम की परवानगी लेनी पड़ेगी। हमारे होते हुए कौन है ये शहंशाह आलम महारानी गड़ा? महाराजाओं के भी महाराज, महाराजाधिराज बापूजी। तेरी बराबर है, भोजन समारंभ में तो बापूजी भी होंगे, बराबर है। तो क्या कहते हैं महाराज, आपकी खिदमत में समोसा वड़ा और भजिया का लश्कर पेश करूं? अरे नहीं भाई, नहीं, तूने बोला उतना बहुत है। बापूजी के सामने तो तलन वाले पकवान पेश करेगी तो बापूजी मुझे राजदंड दे देंगे। चल भाई, चल मैं निकलता हूँ, चल। ए महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज अगर आप कहे तो चुपके से आपके लिए पेस्टल मिर्ची के भजिए बना के अलग रखूं? नहीं भाई नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं उनसे पंगा लेने की। ओ तूने बराबर बोला, महाराजाओं के भी महाराज, महाराजा धीराज शहंशाह आलम है भाई। कौन शहंशाह आलम है जेठा? हैं,
किसकी बात कर रहा है? शहंशाह आलम कौन है? अमिताभ जी बच्चन जी बापू जी, तो उनकी एक पिक्चर आई थी ना शहंशाह, उसकी बात कर रहा था। उसमें उनका वो डायलॉग भी था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हाँ। बाबू जी वो कमर पे हाथ बराबर है, हाँ भी अपने बराबर बोला। थोड़ा भारी आवाज में चुप रे। एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, कब भूत उतरेगा तेरे सर से एक्टिंग का? जा दुकान जा। जी जी बापू जी, जी जी, जय जिनेंद्र बापू जी। हाँ जय 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 जय। हाँ और ये टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए किलो। कमाल है, एक भी सबसे 60 रुपए किलो से कम नहीं। पर इस साल जो कितनी बारिश हुई फिर भी सब्जी महंगी है। और रोशन भाभी पिछले साल कम बारिश हुई थी तो भी सब्जी महंगी ही थी। एकूण का है महंगाई आहे। अरे भाभी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कमाती हूँ, जिस भाव में मैं खरीदती हूँ ना उसी भाव में आपको बेच देती हूँ। बिचारे बरोबर है, इनका भी क्या दोष है देखा? हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो चाहे बारिश कम हो या ज्यादा हर चीज तो महंगी ही पड़ती है। करेक्ट करेक्ट खरा। हम खाना कम खा सकते हैं लेकिन सदंतर बंद कैसे कर सकते हैं? वो क्या है? इसका मतलब है मजबूरी में सबको हैवी डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर अंजलि भाभी मेरे हंस के लिए कुछ स्पेशल डाइट बोलना। हाँ अरे माधवी भाभी ये वो एस्ट्रोजेंट है ना? अरे हाँ ये तो आरती एस्ट्रोजेंट की आरती है। हेलो हेलो। आज आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे? वो मैं माधवी भाभी से मिलने आई थी। अरे माधवी भाभी आपके गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली हुआ कि नहीं? सॉरी आरती पर हमारे यहाँ कोई फ्लैट बेचने वाला नहीं है। माधवी भाभी मेरी पार्टियाँ आपकी सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए मार्केट से भी ज्यादा रेट देने को तैयार है। बहुत डिमांड है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की। माधवी भाभी मेरी पार्टी तो पेमेंट के साथ रेडी है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करने को तैयार है। अच्छा भाभी अगर आपको कभी भी कोई फ्लैट खाली होने का पता चले ना आप प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओहो नक्की आरती, कोई फ्लैट खाली होगा ना तो जरूर बताऊंगी। ठीक है भाभी चलो मैं चलती हूँ। बाय। हाँ बाय बाय। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी इज इन डिमांड। मेरे भी ये सबसे फेवरेट सोसाइटी है। अरे हाँ देखो ना मार्केट रेट से ज्यादा रेट देने के लिए तैयार है लोग। हाँ, हो वरी क्योंकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत स्पेशल है। और मुझे तो ये लगता है कि जिस जमीन पे हमारी सोसाइटी बनी है ना वो खरा सोना है एक्चुअली। हाँ। और बबीता जी हमारी सोसाइटी का वास्तु ही बहुत अच्छा है और इस बिल्डिंग का बनकम ही जरूर शुभ मुहूर्त में हुआ होगा। यस। इसीलिए यहाँ पर सुख शांति प्रगति और लक्ष्मी जी का वास है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी, हमारी सोसाइटी के मुख्य द्वार पे भगवान जी का मंदिर है। हम रोज पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी सोसाइटी पे भगवान जी का आशीर्वाद तो रहेगा ही। ऑफ कोर्स। हम लोग सब बहुत नसीब वाले हैं कि हमारा फ्लैट गोकुलधाम सोसाइटी में है। हाँ और हम लोग सारे त्योहार कितनी धूमधाम से मनाते हैं ना। बात तो ये है आज तक हम में से किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आई हो हम सब ने एक साथ मिलकर उसका सामना किया है ना?
बराबर बबीता जी। ऐसा अपनापन, ऐसा भाईचारा बहुत कम जगह दिखाई देता है, नहीं क्या? यस सच जी, हमारी सोसाइटी कितनी लकी है। भगवान करे हमारी सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। Never. Really, हाँ? Touchwood. Touchwood. बबीता जी, अभी हम Touchwood हैं। ये क्या किया आप लोगों ने ऐसा? वो actually हम जब किसी अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं और उसपे कोई बुरी नजर ना लगे ना, तो इंग्लिश में Touchwood कहके लकड़ी को टच करते हैं। वो अच्छा अच्छा ये बात है। तो मैं ये लारी को ऐसे टच करती हूँ और बोल देती हूँ Touchwood. भाभी आप लोग सब घर पे जाओ, ये सब्जियां घर पे भेज देती हूँ। सी विंग में जाता हूँ, तुम ए विंग में चले जाना, ठीक है? ठीक है। Yes? मैम कुरियर। ओ। मैम साइन कर रहे हैं। हाँ। यहाँ जी। थैंक यू। वेलकम। यस कुरियर। ओ थैंक यू। मिस्टर रोशन सिंह सोडी के लिए कुरियर आया। थैंक यू। साइन कर। भाई इस वक्त बाथरूम में जाओ और बस कोई ना कोई आ जाता है। सर कुरियर भेजा है। साइन। हाँ एक मिनट, एक मिनट, जरा आप इसे पकड़ो। हाँ। पकड़ो कौन? हाँ। लो भाई। अरे ओ भाई ये तो देते जाओ। हाँ, सॉरी सर। इट्स ओके। आइए। अरे मैडम साइन। थैंक यू। अब बोलिए सेंड कहाँ करनी है? यहाँ पे। यहाँ ना? हाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। कुरियर
साइन कर देना यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। ये वाली जो सुन साबुन सर, ये आपका कुरियर। हाँ सर, थोड़ा साइन कर दीजिए। कहाँ पर? यहाँ। और कुछ? बस। हाँ, आपका हिसाब हुआ 225 रुपए। बोलिए महारानी गड़ा, महाराजा गड़ा को दरबारे दुकान में क्यों फोन किया? महाराजा गड़ा किसी और प्रांत के महाराजा या सेनापति या पता नहीं किसी और ने कुरियर द्वारा आपको संदेशा भिजवाया है। कोई बात नहीं, महाराजा कड़ा शाम को जब दरबारे दुकान से गोकुलधाम महल में आएंगे तब कुरियर को देख लेंगे। महाराजा कड़ा किसी से डरते नहीं है। जय नसीब। तकलियां। अलग भरदिया सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स। भरदिया भरदिया, मेरे लिए फर्स्ट क्लास चाय लेके आओगी? तैयार से आओ, ये आपके लिए कोई कुरियर आया है। हाँ मैं देखता हूँ, तुम चाय लेके आओ। आत्मराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी, एक में वो सेक्रेटरी लिखना भूल गए। क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई ये क्या है? अरे मेरे पास भी आया है। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, कुरियर आया है। तुझे भी आया? हाँ। इन दोनों को कुरियर आया है? क्या है क्या इस कुरियर में? अरे वो सोसाइटी का मैटर है, मैं बाद में बताता हूँ। मैं अभी नीचे आता हूँ। आ जाओ भाई, जल्दी नीचे आओ। पोपटलाल, ये लेटर किसने भेजा है? अरे हाथी भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भिड़े को भी नीचे बुलाया, वो आ ही रहा है। लो लो भिड़े भाई, आगे आ जाओ। आ जाओ भिड़े मास्टर, ये लेटर का क्या टेंशन है भाई? मेरा तो बीपी बढ़ गया। माजी बन बोबड़ी वाली हाथी भाई, मतलब वो दांत अटक गई है। ओगो भाई, ओहो पर आहे काय? जरा थाम गो भाई। अरे भाई अभी बीपी सांस बोमड़ी सब साइड में रखो, पहले ये सोचो कि हम सबको ये नोटिस कैसे आ सकती है। अरे मुझे क्या मालूम पोपटलाल, लेकिन अगर सबको नोटिस आई इसका मतलब मामला सीरियस है। सही बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे बात करता हूँ। तुम भी तब तक बाकी सबको फोन करो और सोसाइटी में अर्जेंट बुला लो। गोकुलधाम सोसाइटी में एक नई मुसीबत। गोकुलधाम सोसाइटी में नोटिस का हमला हुआ। ये नोटिस शब्द ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों की धड़कने रुक जाए। इनकम टैक्स का नोटिस, सेल्स टैक्स का नोटिस, सर्विस टैक्स का नोटिस, एक्साइज का नोटिस, फलाने का नोटिस, ढिकाने का नोटिस, नोटिस शब्द से धड़कने रुक जाती है साहब। अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। और ये तो आम लोगों की सोसाइटी है, लेकिन इन आम लोगों की सोसाइटी में आखिर इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? इस लेटर का क्या मैटर है जिससे हड़कंप मच गया है? भाई अभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस लेटर का मैटर अगर पता चलेगा तो उसके बाद ऐसा हंगामा होगा जो आज तक गोकुलधाम के इतिहास में नहीं हुआ होगा। अब क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक सोचिए कि आखिर इस लेटर का मैटर है क्या, क्या लिखा है नोटिस में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।